मैं आप आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे पैरों में कंटिन्यूसली ऐसे लगते हैं कि मुंगिया आ रहे हैं, या फिर पैर सुन्न पड़ रहे हैं, या फिर झंझनाहट हो रही है पैरों में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैरों के तलवों में होता है। तलवों से लेकर जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ता है, तलवों से लेकर ऊपर ऊपर उठते हुए आता है। ये हमारे हाथ यहाँ से आगे इसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसको हम टिपिकल सिम्टम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब हमारे जो नर्व्स है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, हमारे पैरों तक जाते हैं, उनका अगर डैमेज होता है, उनको अगर प्रॉब्लम्स होती है, तो इस प्रकार के झंझनाहट या फिर सुन्न पड़ना या फिर मुंगिया आना, जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। ये एक बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम है। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। तो जिनको डायबिटीज़ है, उनका शुगर ऑन एन एवरेज शुगर अगर 200 के ऊपर रहता है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आपका शुगर कंट्रोल करें। जो रैंडम ब्लड शुगर है, और या फिर कोई भी एक एवरेज ब्लड शुगर 200 के नीचे ही होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉब्लम्स कम रहेगा। या फिर जो HbA1c है, वो 8 के कंपल्सरीली नीचे ही चाहिए। अगर ये 8 से ऊपर चला जाता है, 7.5 या फिर 8 से, तो ऑन एन एवरेज शुगर 200 के ऊपर रहने लगता है, और इस प्रकार की झंझनाहट हो रहा है, या फिर सुन्न पड़ना, पैरों में जलन होना, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है वेजिटेरियन लोगों में, जो प्योरली वेजिटेरियन है, या फिर बहुत कम लेते हैं, ऑकेजनली नॉनवेज लेते हैं, उनमें विटामिन B12 काफ़ी कम पाया जाता है। और विटामिन B12 कम पाया जाने के कारण, ये विटामिन B12 जो है हमारे हर एक नर्व के लिए लगता है, उसको लैमिनेट करने के लिए लगता है। तो अगर विटामिन B12 कम है, तो नर्व अच्छे तरीके से लैमिनेट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से, उनके डैमेज के वजह से, इस प्रकार की पैरों में जलन होना, या फिर सनसनाहट रहना, सुन्न पड़ना, या फिर मुंगिया आना, इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं बहुत कॉमनली। तो इसके लिए विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स तो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। वेजिटेरियन खाने में मोस्टली वो अच्छा खासा पाया जाता है, अच्छा खासा तो नहीं, कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन दूध या फिर दूध की चीज़ें, जैसे चीज़ है, बटर है, उस पनीर है, इन चीज़ों में विटामिन B12 पाया जाता है। और जो स्प्राउट्स है, जिसको हम मटकी कहते हैं, उस प्रकार के फूड में विटामिन B12 पाया जाता है। थर्ड जो चीज़ है, अगर किसी को एडिक्शन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, इनसे बहुत कॉमनली ओवर ईयर्स, कुछ सालों के ऊपर, कुछ महीनों के ऊपर, ये नर्व जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह से इस प्रकार के पैरों में समस्या आती है। तो इनको डेफिनेटली ये क्विट करना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है, कोई भी पर्सन हो जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग, या फिर बहुत सालों से, बहुत महीनों से, कुछ अगर हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, या फिर और कोई भी जो दिक्कत है, जो कि बहुत सालों से या फिर महीनों से चली आ रही है, तो इस जो डैमेज चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, जो इतने सालों से जो डैमेज हो रहा है, ये धीरे 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 इन नर्व्स को डैमेज करता है, जिसके वजह से इस प्रकार की समस्या आती है। तो इसके लिए अच्छा खाना होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या फिर कोई लीवर डिसीज है, या फिर किडनी डिसीज है, उसको जितना हो सके कंट्रोल करना सबसे उचित पर्याय है। थैंक यू।